जो सम है उसमें पहली नजर से देखे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करना पड़ेगा, बट ये ऐसा नहीं है। कैसे वो मैं बता रहा हूं, देखो इसमें हम क्या करेंगे। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि टेन प्लस 12 अपॉन 2, तो उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा आएगा, 22 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11। उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 10 अपॉन 2 प्लस 12 अपॉन 2। 10 अपॉन 2 करेंगे तो 5, 12 अपॉन 2 करेंगे तो 6, एंड वो भी मुझे आंसर मिलेगा 11। यानी पूरी लंबी लाइन की है और नीचे डिनोमिनेटर 2 है, उसका मतलब ये हुआ कि ये 10 का भी डिनोमिनेटर है, 12 का भी डिनोमिनेटर है, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, उसका मतलब ये हुआ। तो इधर 4x प्लस 7y अपॉन xy लिखा है, उसका मतलब ये हुआ कि 4x का डिनोमिनेटर भी xy है और 7y का डिनोमिनेटर भी xy है। तो ये क्या हो जाएगा, x x कैंसल, y y कैंसल। सो 4 अपॉन y, दैट्स 4 अपॉन y, 7 अपॉन x इज इक्वल टू 16। नाउ हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे जो आगे कर रहे थे ऐसा, राइट? ओके, सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसे कन्वर्ट करना है, राइट? दोनों के नीचे एक्स वाई है ऐसा मान लेना है। ये एक्स एक्स चला गया तो 10 अपॉन y, ये वाई वाई चला गया तो 3 अपॉन x इज इक्वल टू 11। नाउ हमें सपोज कर लेना है 1 अपॉन x इज a एंड 1 अपॉन y इज b। सो हियर फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 4b, 7 इज इक्वल टू 16। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ओके, इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ए वाला पहले, बी वाला बाद में, 16। अभी सेकंड इक्वेशन में हम सेम चीज करेंगे, राइट? तो दैट विल बी 3a प्लस 10b, मैंने डायरेक्ट कर दिया, दिस इज 3a 10b इज इक्वल टू 11, राइट? 3a प्लस 10b, राइट? तो ये जो सेकंड इक्वेशन उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी विल सॉल्व इट बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आई थिंक यू ऑल्सो लाइक, इसे मुझे बहुत पसंद है। इफ यू लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन गो विद दैट एज वेल। सी हियर आई विल राइट 3, हियर आई विल राइट 7। सो नाउ इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21a 3 का 7 के साथ, 3 का 4 के साथ 12b, 16 3 जा 48। नाउ हियर 21a देन 70b देन 77 देन साइन चेंज। अभी कैंसिल क्या हो जाएगा, 21 है 21 है कैंसिल। हियर -70 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 58, दैट्स -58b एंड हियर 29, 77 में से 48 गया तो 29। नाउ ये 58 ये साइड जाएगा तो डिवाइड में 29 2s are 52 एंड माइनस माइनस भी कैंसिल, सो बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। नाउ ये वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, राइट? 7a प्लस 4b में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी की जगह लिख देंगे 1 अपॉन 2, 2 2s are 4, दैट्स 2, सो 2 ये साइड चला जाएगा तो -7a इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, a इज इक्वल टू 2। सो मेरा सॉल्यूशन जो है वो है 2 1 अपॉन 2। नाउ आप ये सोच रहे हो कि मैंने वो प्रोसेस नहीं की 1 अपॉन x वाले, राइट? तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू ले लेंगे a, राइट? तो हम उसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, देन आई विल ड्रॉ अ लाइन, देन ये x ये साइड चला जाएगा तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, सो दिस शुड नॉट बी लाइक दिस, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो सॉल्यूशन हम इधर लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन 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 xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमा इनटू ब्रैकेट या कॉमा दूसरा अभी क्या, 1 अपॉन y इज इक्वल टू b, उसमें b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट्स 1 अपॉन 2, 2 ये साइड y ये साइड, सो 2 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 2, सो हियर आई विल राइट 2 ब्रैकेट ओवर। सो दिस इज व्हाट इज माय सॉल्यूशन।